हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर लेक्चर नंबर 10th लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गेन की, प्रॉफिट व गेन में क्या डिफरेंस होता है, लॉस की, लॉस की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती है और कितनी प्रकार का होता है, और एंट्री क्या होती है। इन सभी टर्म्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी टर्म्स को अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले आपको यह बता दें कि गेन का कंसेप्ट समझने से पहले आपको प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने प्रॉफिट का पूरी डिटेल पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9th में आपको बता दी थी, परंतु क्योंकि गेन का कंसेप्ट समझाना भी है तो आपको शॉर्ट में दोबारा बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गेन को कैसे एक्सप्लेन करना है, इसकी बात करने से पहले आपको जस्ट एक एग्जांपल के साथ प्रॉफिट व गेन के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो आप कहेंगे हां जी, वो कौन सा उद्देश्य है स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट मोटिव। यस स्टूडेंट्स, यू ऑल आर राइट, आप सही कह रहे हैं। सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो अब मैंने प्रॉफिट की बात इसलिए की कि मैंने आपको प्रॉफिट का मीनिंग क्लियर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए मेरा जो बिजनेस है वो स्टेशनरी का है, मतलब मैं बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, मार्कर्स इनके साथ डीलिंग करता हूं, इन सभी की मैं परचेज और सेल करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये मार्कर 15 रुपीज का परचेज किया और कस्टमर को 20 रुपीज में सेल कर दी। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो 15 रुपीज का मार्कर है तो 15 रुपीज क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, और 20 रुपीज में सेल कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस। तो 5 रुपए एक मार्कर को सेल करके प्रॉफिट कमा लिया। तो ये थी प्रॉफिट की एग्जांपल। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। सपोज कीजिए मेरे उसी बिजनेस में जो मेरा स्टेशनरी का काम है, मेरे पास एक कंप्यूटर था, परंतु मैंने सोचा क्यों ना इस साल नई टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट अपडेट वाला लैपटॉप ले लिया जाए। तो मैंने सोचा उस कंप्यूटर को सेल कर देते हैं। तो क्या हुआ एक्चुअल में, जब मैंने बात सोची थी तो मेरे पास कोई ना कोई एक्चुअली कस्टमर आ ही गया जो मेरा कंप्यूटर लेने को तैयार हो गया। तो मैंने उसे अपना कंप्यूटर 16,000 में सेल कर दिया, मतलब 16,000 में सेल कर दिया। वो मैंने खरीदा कितने में था? 15,000 में। तो यहां पर क्या हुआ? 1,000 का मुनाफा। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं। तो 1,000 का यहां पर जो मुनाफा हुआ, क्या मैं उसे लाभ कह सकता हूं, मतलब प्रॉफिट का नाम दे सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, मेरा काम तो स्टेशनरी का है, कंप्यूटर को सेल करने का नहीं। तो जो कंप्यूटर को सेल करके मैंने मुनाफा कमाया वो प्रॉफिट नहीं, गेन कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? 1,000 रुपीज को गेन। तो स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल गया होगा कि अगर हम डे टू डे ऑपरेशंस के प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे कि गुड्स को सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट टर्म ही कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हमारा वो रेगुलर बेसिस पर कोई काम है जिससे हमें मुनाफा होता है तो उसे तो हम प्रॉफिट का नाम दे देते हैं। अगर वो काम इरेगुलर बेसिस पर हम कर रहे हैं या कैजुअल बेसिस पर कर रहे हैं तो उस मुनाफे को हम प्रॉफिट की बजाय गेन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया हो।
अब हम आपको बताते हैं कि गेन को आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे गेन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, गेन इज प्रॉफिट, तो सबसे पहले मैं क्या टर्म यूज की, प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एक डिफरेंट टर्म है और गेन एक डिफरेंट टर्म है, दोनों में डिफरेंस है, तो मैंने यहां पर प्रॉफिट वर्ड का यूज किया। तो स्टूडेंट सिर्फ प्रॉफिट वर्ड ही है तो एक तरीके का मुनाफा ही ना, चाहे हम उसे गेन कह रहे हैं परंतु है तो हमारे लिए मुनाफा ही। कौन सा मुनाफा, ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, इररेगुलर नेचर। अगर आप इररेगुलर नेचर लिखना भूल गए तो ये मीनिंग प्रॉफिट वाला आपका गलत हो जाएगा। मतलब गेन को हम प्रॉफिट कह रहे हैं, कौन सा प्रॉफिट, जो इररेगुलर नेचर का है। इररेगुलर मतलब कैजुअल नेचर का है, जिसे हम नॉन रेकरिंग भी कह देते हैं स्टूडेंट्स। नॉन रेकरिंग वर्ड यूज किया जा सकता है, कैजुअल वर्ड यूज किया जा सकता है, इररेगुलर वर्ड यूज किया जा सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गेन एक तरीके का प्रॉफिट ही है परंतु इररेगुलर नेचर का। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ये हमें कहां से होता है, हम मुनाफा कैसे कमाते हैं, ट्रांजेक्शन से। मतलब जो हम बिजनेस में डीलिंग करें, किस चीज की डीलिंग करते हैं, किसी भी चीज की स्टूडेंट्स, कोई भी चीज हो सकती है, गुड्स वगैरह हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है। परंतु यहां पर कौन सी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, गुड्स तो मेरा रोज का काम था तो उससे तो मुझे प्रॉफिट होता था, मैं बात कर रहा हूं गेन की। तो कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, विच आर इंसिडेंटल। ये वर्ड आपने याद रखना स्टूडेंट्स, इंसिडेंटल टू द बिजनेस, जो ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल है। अब स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इंसिडेंटल नया वर्ड आ गया, इंसिडेंटल का मीनिंग क्या है, जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। हम देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उसी एग्जांपल पर बैक चलते हैं दोबारा। मैंने जो मार्कर सेल किया वो मेरा डे टू डे ऑपरेशन है, ऑपरेशन का काम है। ऑपरेशन का मीनिंग क्या हुआ, जो मैं रोजाना की काम कर रहा हूं, डे टू डे ऑपरेशंस कर रहा हूं, मतलब जिस चीज की मैं डीलिंग कर रहा हूं। तो मैं मार्कर की डीलिंग करता था, स्टेशनरी का काम करता था, तो उससे मैंने मुनाफा कमाया था, तो ये ऑपरेशन वाली बात होगी। और जो मैंने कंप्यूटर सेल की एग्जाम्पल दी वो क्या था, कंप्यूटर सेल करना मेरा काम नहीं था परंतु वो मेरे बिजनेस के साथ कनेक्टेड ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदना था तो मुझे कंप्यूटर को सेल करना पड़ा, तो वो इंसिडेंटल काम हो गया। तो कुछ काम मतलब ज्यादा प्रयोग नहीं होते, जिन्हें हम ऑपरेशन नहीं कह सकते डेली बेसिस पर या रूटीन बेसिस पर कैजुअल बेसिस पर कभी कभी हमें करने पड़ते हैं। जैसे आपको बिल्डिंग सेल करनी पड़ सकती है, कोई और एसेट की एग्जांपल ले लीजिए, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कोई भी एसेट आपको सेल करनी पड़ती है, तो वो कैजुअल बेसिस पर कर रहे हैं क्योंकि आपका रोज का काम नहीं है, तो उससे अगर आप मुनाफा कमाएंगे तो वो क्या होगा, गेन। तो उम्मीद करता हूं इंसिडेंटल में आपको समझ में आ गया, जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है परंतु डेली बेसिस पर नहीं हो रहा, रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा, डेली के ऑपरेशन नहीं हो, वो कैजुअल बेसिस पर है। बात वही आएगी बार बार घूमकर कि हमने कौन सी बात करनी है, इररेगुलर नेचर का अगर प्रॉफिट है तो उसे हम गेन कहते हैं, अगर रेगुलर नेचर का है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कह देते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस मीनिंग में लिखने में या याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, एनी प्रॉफिट, कोई भी मुनाफा, Arising from the business transaction, जो business transaction की बदौलत हमें हो रहा है, मतलब business transaction के कारण हमें कोई भी profit हो रहा है, other than the main operations, परंतु वो main operation के कारण नहीं, incidental work आ रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, gain। तो student उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको डिटेल में बताने के लिए हम difference भी बताएंगे, परंतु पहले gain की example दोबारा देखिए। एक और, sale of an asset, कोई भी एसेट, जैसे मैंने आपको भी बताया था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी एसेट ले लीजिए स्टूडेंट। अगर आपने कोई एसेट सेल कर दी, कॉस्टिंग 4 लाख, 4 लाख रुपए की कोई एसेट थी जो मैंने सेल कर दी, 4-6 लाख, कितने में, 6 लाख में, मतलब 4 लाख वाली एसेट को मैंने 6 लाख में सेल कर दिया, तो यहां पर 2 लाख रुपए मुनाफा जो हुआ उसे मैं प्रॉफिट का नाम नहीं दूंगा, कौन सा नाम दूंगा, गेन कहूंगा। क्यों, क्योंकि यह नॉन रेकरिंग नेचर का है और कैजुअल बेसिस पर है और बिजनेस के साथ इंसिडेंटल है, जुड़ा हुआ है परंतु डेली बेसिस पर नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस नहीं है। एसेट कौन सेल करता है बार बार, कोई नहीं।
आपका रोज का काम थोड़ी आप फर्नीचर सेल करने बैठ जाएंगे, मशीन बैठे गए, अगर वो आप रोजाना बेस पर करें फिर वो एसेट निकल आएगी, फिर वो गुड्स बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको गेन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, विनिंग एन अमाउंट फ्रॉम लॉटरी। आपने लॉटरी की टिकट खरीदी थी और आपको इनाम मिल रहा है 40,000 का। आप कहेंगे मैं बहुत लकी हूं कि मैंने 40,000 रुपया जीत लिया। अब आपने 40,000 रुपीज जीत लिए, इनाम मिल गया, क्या आपकी लॉटरी रोज लगती है, हर महीने लगती है, हर साल लगती है? आप कहेंगे नहीं। तो ये क्या था, गेन। अक्सर बार बार नहीं होता ना, हर किसी की रोज रोज लॉटरी नहीं लगती ना, तो ये क्या है, गेन। इसी तरीके स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, विनिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 crore फ्रॉम केबीसी। केबीसी का नाम तो आपने बहुत सभी ने सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति। आपको मौका मिला कौन बनेगा करोड़पति में जाने का और हॉट सीट पर बैठने का, और आपने क्या किया, आपने सही क्वेश्चंस के आंसर दिए और 1 crore रुपया आप जीत गए। तो 1 crore रुपया जो आप जीते हैं, क्या आप रोज जीतेंगे, हर महीने जीतेंगे, हर साल जीतेंगे, हर 5 साल बाद जीतेंगे? आप कहेंगे नहीं। तो ये क्या है, गेन, इरेगुलर बेसिस का है, रोज रोज नहीं होने वाला, रेकरिंग रिपीट नहीं होने वाला। तो आप खुश जरूर हैं, आपने मुनाफा भी जरूर कमाया, बट वो आपके बिजनेस का ऑपरेशन नहीं था कि आप हमेशा केबीसी में जाते हैं हमेशा ही आप जीतते हैं, ऐसा नहीं था। तो इसे हमने प्रॉफिट नहीं कहा, इस अमाउंट को हमने क्या कहा, गेन कह दिया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स गेन का आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम आपको कंपेयर करके बताएंगे प्रॉफिट और गेन में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ओरली सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रॉफिट की नेचर क्या हुई, रेकरिंग, मतलब रेगुलर बेसिस पर होने वाला मुनाफा। गेन नॉन रेकरिंग, मतलब इरेगुलर बेसिस पर होने वाला मुनाफा। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या बताएंगे, सेलिंग द गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000, हियर 10,000 इज द प्रॉफिट। और गेन के साइड पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेलिंग द फर्नीचर कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 30,000, हियर 10,000 इज ए गेन। तो ये एग्जांपल बन जाएगी स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको गेन का कंसेप्ट समय में आ गया होगा। इसके बाद आपको बताएंगे लॉस क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है, प्रॉपर डिटेल के साथ। तभी तक स्टूडेंट्स आप ये सब काम नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लॉस की। अब आप सोच रहे होंगे लॉस क्या होता है, तो ये डेली लाइफ में वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स, लॉस, जिसे हम नुकसान या हानि के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें अधिक से अधिक कमाई करनी है। वो तभी होगी जब हम अच्छे तरीके से काम करेंगे और चीज को सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट से ज्यादा रेट पर ही सेल करेंगे, ऑब्वियसली है। अगर आपको कोई चीज 9 rupees की पड़ती है तो आप 9 या 8 में तो सेल नहीं करेंगे, 9 से ज्यादा प्राइस ही चार्ज करेंगे ताकि आप प्रॉफिट कमा सके। तो यह बात आपको सभी को पता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य था प्रॉफिट कमाना, परंतु क्या आप इस बात से एग्री हैं कि हमारे चाहने से हर बार हमें प्रॉफिट हो जाएगा? आप सोचेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते, तो कभी कभी हमें प्रॉफिट की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी आने के कारण नई क्वालिटी का माल अच्छा आ रहा है, आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी का माल पड़ा है तो वो अपग्रेड नहीं है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, फैशन चेंज हो गया, वो पुरानी नई चीज चाहिए क्योंकि वो आजकल के फैशन की नहीं है, तो वो पड़ी रही थी आपके पास, अब वो सेल नहीं हो रही तो आप कम रेट में सेल करेंगे, तो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पता चल गया। तो इसी तरीके स्टूडेंट्स आपको अब ये सोच रहे होंगे कि नुकसान का मीनिंग तो हमें पता है, परंतु कई बार स्टूडेंट्स को यह समझ नहीं आता कि पता तो हमें सब कुछ होता है, परंतु जब हमने पेपर में उसे अटेम्प्ट करना होता है, लिखना होता है, तब नहीं पता चलता कि कैसे उसे लिखें, कैसे उसका जवाब दें।
आप सभी को पता था नुकसान क्या होता है, हानि क्या होती है, जिसे हम लॉस कहते हैं क्या है, परंतु आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद एग्जांपल आपको पूरी डिटेल में बताते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले द टर्म लॉस इज यूज्ड इन टू सेंसेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लॉस को दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फर्स्ट सेंस जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमने कोई चीज क्या की, 9 रुपीज की खरीदी थी। जैसे ये मार्कर आपने 9 रुपीज का खरीदा, आपने सेल कर दिया 8 रुपीज में, तो आप क्या कहेंगे कि हमें एक मार्कर सेल करने पर 1 रुपए हानि हुई, जिसे हम लॉस कह रहे हैं। तो अगर आपने 10 मार्कर सेल किए 1 रुपए कम में, मतलब कॉस्ट से कम 1 रुपया, 9 की बजाय 8 का, तो 10 पेन के मगर आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। तो ये एग्जांपल थी स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, यही फर्स्ट सेंस में हमने बताना है। मतलब क्या हुआ, जो हमने प्रॉफिट की बात की थी उसका ओपोजिट क्या है, लॉस। जब एक्सपेंसेस ज्यादा है किसके मुकाबले, इनकम के मुकाबले, रेवेन्यू के मुकाबले। रेवेन्यू वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रॉपर आपने रेवेन्यू वर्ड यूज करना है। रेवेन्यू वर्ड आप यूज करेंगे तो एक्सपेंस अगर रेवेन्यू से अधिक है तो उसे हम लॉस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यही मैंने लिखा है, इन द फर्स्ट सेंस लॉस रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू। जब आपके टोटल खर्चे ज्यादा है, एक्सेस का मीनिंग क्या है, ज्यादा, किससे, टोटल रेवेन्यू से, तो उसे हम लॉस कहते हैं। ये फर्स्ट सेंस में मीनिंग था। तो फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स, लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू। जैसे यहां पर क्या लिखेंगे, 9 रुपीज का पेन था, 9 लिख देंगे, टोटल रेवेन्यू क्या हुई थी, 8, तो 1 रुपया लॉस। ये तो एक पेन की बात की थी, अगर हमने टोटल 10 पेन सेल किए थे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख देते 9 × 10 90 रुपीज। टोटल रेवेन्यू कितनी हुई थी, 8 × 10 80 रुपीज। 10 रुपीज क्या हो गया था स्टूडेंट्स, लॉस। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल प्रॉपर तरीके से बनाई है। हमारी फॉर्म है सप्लायर, जो सप्लायर का नाम क्या है, एक्स। एक्स सप्लायर से हमने गुड्स खरीदी, फॉर्म परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। एक्स एक सप्लायर का नाम है, उससे हमने गुड्स खरीदी, 1 लाख रुपए की थी वो, हमें 1 लाख रुपए की पड़ी थी। हमने वो सारी की सारी गुड्स, सारा का सारा सामान कस्टमर वाई को, जो वाई है वो कस्टमर है हमारा, वो हमारे पास सामान लेने आया, हमने वो सारा सामान उसे सेल कर दिया, परंतु कितने में, 90,000 में। वो हमारा सामान सेल नहीं हो रहा था, हमने खरीद रखा था पर सेल नहीं हो रहा था, तो हमें सेल करना था क्योंकि आगे हमें पता था रेट और डाउन जाएंगे, तो हमने कहा भी सेल कर दीजिए, अच्छा है तो आगे तो रेट और भी कम होने वाला है, तो हमने 90,000 का सेल कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ इस एग्जांपल के हिसाब से, 1 लाख की चीज पड़ी थी, हमने कमाई कितनी की टोटल, 90,000 की। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या कहेंगे कि आपको 10,000 क्या हुआ, लॉस। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉस की एग्जांपल आप कैसे बना के पेपर में पेश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फर्स्ट सेंस थी जो कि प्रॉफिट का बिल्कुल ऑपोजिट हमने बताया, सेकंड सेंस में लॉस का क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तभी तक आप ये सब कुछ नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, सेकंड सेंस में लॉस का मीनिंग क्या है, इन द सेकंड सेंस लॉस रेफर्स टू एन अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल लैंग्वेज है इसका क्या मीनिंग है कि अनवांटेड बर्डन, अनचाहा बोझ, बिजनेस पर एक अनचाहा बोझ। अब कहेंगे इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमें लॉस हो, नहीं ना, तो ये तो अपने आप हो गया, हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है, लॉस से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो कोई पर्सन नहीं चाहता कि हमें क्या हो, लॉस हो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अनवांटेड बर्डन। अनवांटेड बर्डन है जो अपने आप बिजनेस पर पड़ गया। क्यों अनवांटेड बर्डन क्यों कहा जाता है इससे, बिकॉज इट डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू, क्योंकि यह हमारे बिजनेस में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, कोई इनकम का सोर्स जनरेट नहीं कर रहा, तो
तो इससे कौन सा हमें आमदन हो रही है लोन्स की वजह से? आप कहेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो जनरेट करती है रेवेन्यू? एक्सपेंस। हमने अभी पिछली एग्जाम्पल में आपको क्या बताया था कि हमने सामान खरीदा तो हमने खर्चा किया था ना, एक्सपेंस किए थे ना। क्यों किए थे? क्योंकि उससे हमने रेवेन्यू जनरेट करना था, उसे अधिक रेट में सेल करके तो हमने रेवेन्यू जनरेट करना था। परंतु लॉस से हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, बल्कि इससे हमारी कैपिटल और कम हो जाती है, मतलब यह कैपिटल को कम कर देता है। तो यह बात बतानी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स देखिए स्टूडेंट्स। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी होगी, हमारा सामान कोई चोर चोरी करके ले गया, ये लॉस की एग्जाम्पल है। लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कई बार नेचुरल रीजंस के करके भी लॉस हो जाता है, जैसे भूचाल, हड़, ऐसी कुदरती आफतें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, परंतु उनसे भी हमारा कई बार नुकसान हो जाता है, हम वहां पर बेबस होते हैं। पर जिसे हम रोक सकते हैं, कम से कम उसे तो रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसी आधार पर लॉस की दो कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। उसके बारे में फिलहाल आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको, जब आप बेसिक टर्म्स सीख जाएंगे, उसके बाद एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉस की पूरी डिटेल, जिसमें सिर्फ टाइप्स की बात करेंगे। फिलहाल आपको शॉर्टकट बता देते हैं, लॉस की दो टाइप्स होती है, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। जिसे हम नहीं रोक सकते उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। और जिसे हम रोक सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अबनॉर्मल लॉस। अब ये जो केस था, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, इन्हें हम अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इन्हें हम रोक सकते हैं। नॉर्मल लॉस जो होता है वो हमारे बस से बाहर होता है, उसे हम रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल देता हूं, आपने कोले की एग्जाम्पल ले लीजिए। उसमें क्या होता है, जब हम कोले की लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं तो उसके वेट में कमी आ जाता है। तो ये कौन सी एग्जाम्पल थी? नॉर्मल लॉस की। आपने बताना हो रिटर्न में तो क्या कह सकते हैं? नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लीकेज। जस्ट दो वर्ड यूज कर लीजिए और आपको कुछ यूज करने की जरूरत है। तो आपको क्या सीखा अभी? नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस जिसे हम रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, गुड्स की नेचर के करके होता है, हमारे वजह से बाहर होता है। नॉर्मल लीकेज या नॉर्मल वेस्टेज इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। इसी तरीके से अबनॉर्मल लॉस जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये हमारी लापरवाही की वजह से हो रहे थे, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म देखिए, एंट्री। एंट्री क्या है? सिर्फ एक लाइन में आपने मीनिंग बताना स्टूडेंट्स। व्हेन ट्रांजेक्शन और इवेंट, जब किसी भी ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको बताया था लेन देन को, इवेंट किसी भी घटना को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब दर्ज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एंट्री। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताया था कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन या इवेंट को पहचानते हैं कि वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, मतलब उसे हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें हम रुपयों में माप सकते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या सब जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने को हम एंट्री का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।